अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं जमात या 10वें दर्जे के 9वें चैप्टर खुदा के नाम एक ख़त का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदा के नाम एक ख़त चैप्टर एक लोक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक कहानी क्या होती है। ये सबक स्पेनी ज़बान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल यानि बेस्ट है या उस पर आधारित है। लोक कहानी किसी माशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों को अखलाकी तालीम व तरबियत की खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। यहाँ पर माशरे से मुराद है समाज और अफराद फ़र्द की जमा है, यानि मेंबर में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत या आदत या कुदरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात से मतलब तफसील की जमा है, जिसका मतलब होता है डिटेल के मुतालिक रिवायतों को, रिवायत सुनी सुनाई बातों को कहते हैं, जो अखलाकी तालीम यानि मॉरल एजुकेशन और तरबियत से मतलब है ट्रेनिंग की खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। इस कहानी में खुदा पर एक किसान के पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि उसके बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती तस्वीर कशी हो जाती हैं। यहाँ पुख्ता यकीन से मतलब है पक्का यकीन और तस्वीर कशी से मुराद है तस्वीर खींचना या चित्रण करना। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। खुदा के नाम एक खत। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वादी मतलब घाटी का इकलौता मकान एक चट्टान पर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बाखूबी देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे, उम्दा मतलब अच्छी फसल देते थे, और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो बारिश थी। लिंशो अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। यहाँ लिंशो इस कहानी का खास किरदार है। वो एक किसान था और अपने खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, मतलब चप्पे चप्पे को जानता था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने इशनाक लहजे में कहा, यानी सख्त लहजे में कहा, बीवी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। कयास मतलब अंदाज़ा है कि आज बारिश होगी। बीवी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया, हाँ आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। रब यानि खुदा चाहे तो, या रब्बुल आलमीन पूरे आलम का जो रब है वो चाहे तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीवी ने उन्हें आवाज़ दी, आओ सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लिंशो ने कयास आ रही मतलब अंदाज़ा लगाया था, बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे ज़मीन पर बरस रहे थे। यहाँ शफाफ से मतलब है साफ़ सुथरे कतरे यानी बूंदें ज़मीन पर
बरस रही थी और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। शुमाल यानी उत्तर दिशा की तरफ से जानिब मतलब तरफ से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लीनशो बाहर खेतों में निकल गया। उसका मकसद इसके सिवा कुछ न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे, यानी बारिश से जो पैदा होने वाला जोश खरोश है उसको अपने तन मन में वो महसूस करे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जज्बाती मतलब इमोशनल और जोशीली आवाज़ में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर उसने बड़े इत्मीनान से यानी बड़े ही तसल्ली से बड़े ही आराम से ये भी कहा कि गल्ले के खेत, गल्ले मतलब अनाज या धान के खेत, और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़कर बहुत खुश हैं, यानी बारिश की जो चादर ओढ़कर यानी बारिश पाकर वो बहुत खुश हैं। अभी उसने ये कहा ही था कि यक बारगी यानी अचानक से तंदो तेज यानी बहुत जोर से आंधी उठी, फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ज़ालाबारी से मुराद हैं ओला गिरना। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डलों से मुशाबा थे, यानी उनका ओलों का चांदी के गोल गोल डलों से मुशाबा किया जा सकता, तशबीह दी जा सकती थी, यानी उनसे कंपेयर किया जा सकता था या उनसे तुलना की जा सकती थी, उनके मुकाबले में थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए, यानी उन्हें कलेक्ट करने में या इकट्ठा करने में जुट गए। बच्चे खुश थे लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। ज़मीन ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। यहाँ नमक की चादर बिछा देना मतलब पूरी तरीके से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देना है। दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा, यानी ज़ालाबारी या ओले गिरने से दरख्त के पत्ते तक गिर गए तो फसलें कहाँ बचने वाली थी। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, गल्ले मतलब धान या अनाज के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूट कर बिखर गए। लीनशो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा बच रहा होता, लेकिन इस ज़ालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कल्लास बना दिया है, यानी मुफलिस गरीब, कल्लास का मतलब भी गुर्बत में होना है, गरीबी में होना है, तो हमें गरीब बना दिया है। अब हमारे पास ना गल्ला है ना सब्जी, यानी ना तो धान या अनाज है ना ही सब्जी है। इस साल तो हमें फाके पे फाके करना होंगे, यानी भूखे रहना होगा। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे। नाकाबिले शिकस्त यानी शिकस्त के काबिल या हार के काबिल उम्मीद, जो हार के काबिल उम्मीद ना हो उसको लेकर बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। तकिया करना मतलब विश्वास करना, यकीन करके बैठे थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। यानी वो अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली दे रहा था इस तरह की बातें करके। लीनशो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूमते रहे। आखिरी उम्मीद किससे की जा सकती है? खुदाए ताला से, यानी आसमानी इमदाद से मतलब है आसमान की तरफ से मिलने वाली इमदाद। इमदाद मदद की जमा है, यानी जो आसमान से मदद मिले या खुदा से जो मदद मिले उसके गिर्द यानी उसके आसपास उसके ये जो ख्यालात है वो घूम रहे थे।
उसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है। रहीम मतलब रहम वाला और करीम मतलब करम करने वाला है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। लिनशो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है। अनदेखी यानी जिसको देखा नहीं गया हो, मुहाफिज मतलब हिफाजत करने वाली हस्ती मौजूद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इशारा है। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया और इस तरीके से उसने खत लिखा कि या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा यानी मेरा परिवार या मेरा ख़ानदान इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे, यानी भूख का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है, यानी शिद्दत से ज़रूरत है, या मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुवाई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। यानी ज़ालाबारी या ओले के गिरने से सारी फसल तबाह यानी बर्बाद हो गई है। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले। के बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाकखाने पहुंचकर टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्दे डाक कर दिया, यानी डाक वालों के सुपुर्द कर दिया। इस डाकखाने के एक डाकिये ने, जो खतों को तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम कर रहा था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया। तकसीम मतलब बांटने का जो काम कर रहा था, उसने ये लिफाफा अपने अफसर को दे दिया। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान यानी पूरी नौकरी के दौरान इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्टमास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था, वो भी इस लिफाफे को देख कर बेइख्तियार हंसने लगा। बेइख्तियार हंसना मतलब जिस पर इख्तियार ना हो, यानी अनकंट्रोल्ड होकर हंसने लगा। लेकिन कहकहों के दौरान यानी हंसी के दौरान वो यकबारगी यानी एक बार खामोश और संजीदा हो गया, यानी सिंसियर हो गया। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खत व किताबत शुरू कर दी, वाह वाह। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना यानी तोड़ना या टुकड़े टुकड़े करना अच्छा नहीं। उसने अपने मातहतों के सामने यानी जो अपने कर्मचारी थे, अपने कलीग्स थे, उनके सामने ये तजवीज़ पेश की, ये आइडिया पेश किया कि खत पढ़ा जाए और उसका जवाब भी दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया गया, फाड़ा गया, खोला गया और ख़त पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि इस खत का जवाब कागज़, कलम, दवात, रोशनाई, दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज़्यादा का तलबगार है। यानी इसमें केवल कागज़, कलम और दवात या रोशनाई से मतलब है स्याही, और दर्दमंदी और नेक दिली यानी इन सब से ज़्यादा इसमें कुछ तलब किया गया है, यानी चाहा गया है। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की, यानी चंदा इकट्ठा करने की अर्जी की और ख़ुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। उसके अमले ने इस कार्य खैर में यानी खैरियत के काम में या नेक काम में हसब तौफीक यानी तौफीक के मुताबिक या अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ बटाया। लिनशो ने जिस कदर रकम तलब की थी उतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके निस्ब से कुछ ज़्यादा का इंतज़ाम हो गया। पोस्टमास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर
उस पर लीन शो का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा था, खुदा। अगले इतवार को फिर लीन शो डाक खाने में आया तो पूछा कि क्या उसके नाम कोई खत आया है। पोस्टमास्टर ने लीन शो का खत उसके हवाले कर दिया हवाले किया और इस कार खैर के अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की। जब भी कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसको अंदर से अपने दिल में खुशी महसूस होती है। उसने इसके बाद वो दरवाजे की दराज से लीन शो की कैफियत देखने लगा। कैफियत कैफियत की जमा है, यानी उसकी क्या हालत होने वाली थी यह देखने लगा। उसने देखा कि नोट पाकर लीन शो को कोई हैरत नहीं हुई है, यानी वो बड़ा मासूम था। उसने सोचा कि शायद खत खुदा की जानिब से ही आया है, इसलिए उसे कोई हैरत नहीं हुई। उसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था, यानी पूरा यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, खुदा खुदा ने तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की होंगी और ना उसके पास इस चीज़ की कमी है जो मैंने उससे खत के ज़रिए तलब की थी, वो तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज़ कलम तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। उसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बड़ी तरह टटोल रहा है। इसी कैफियत में उसने खत बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको एक ज़ोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिया ने फौरन ही उसे निकाल लिया। खत पढ़ा गया, इसमें लिखा था, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिली हैं, बाकी रकम भी फौरन अरसाल करें, इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, यानी शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददयानत हैं। तो गाइस, आपका यह चैप्टर खुदा के नाम एक खत पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।